पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ हैं और इन्होंने सनसनी मचा दी है बिहार में, सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है खुद को। पुष्पम, आपसे अब जो पहला सवाल है वो यही है कि 10 तारीख को यहाँ पर हो रहे हैं नतीजों का ऐलान हो रहा है, कितनी रियलिस्टिक हैं आप? ये जो सीएम पद का ऐलान है, क्या आप सीएम बनने जा रही हैं? क्लियर बोलिए हाँ या ना में, 10 तारीख की शाम को क्या होगा? अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ तो बताओ, सीएम पद, सीएम की होने वाली सीएम पुष्पम प्रिया चौधरी इंटरव्यू ले रहा हूँ या ये सब सिर्फ हंसी मजाक की बातें हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतना बड़ा डिसीजन हंसी मजाक के लिए ले लेगा। ये बहुत ही मूर्खता वाली सोच है। अगर किसी को लगता है ये हंसी मजाक के लिए मैं ये सारी ये मूर्खता वाली सोच जिसे आप कह रही हैं, यहाँ बहुत लोगों को लग रहा है कि लंदन से आई लड़की अचानक घोषित कर दिया ऐड देकर के कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ, जिसे आप मूर्खता वाली बात कह रही हैं वो यहाँ पर बहुत लोगों को लग रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपके पास जो सैंपल साइज है वो क्या है? 13 करोड़ जनसंख्या में एक इकोनॉमिक्स होती है चीजें, एविडेंस बेस्ड बातें करते हैं। ये हमें कहा जाता है कि कभी भी 10 लोगों की या 20 लोगों की या 100 लोगों की भी बात सुन के आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग कह रहे हैं। पुष्पम प्रिया के पास क्या सैंपल है? आपने कौन सा सर्वे कर लिया कि बिहार की जनता आपके लिए परेशान है, पागल है कि आप सीएम बन जाएं? अब आप यही सवाल आपसे है मेरा। मैंने सर्वे नहीं किया है। सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपने से जोड़ते हैं, मुझसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, यही मेरा सब। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आप पढ़ के आई हैं, कोई और आपकी जगह होता तो बड़े करियर के सपने देख रहा होता, मल्टीनेशनल में, और वो चार्टर्ड प्लेन से लोग उड़ते हैं, हम लोग तो हमेशा ट्रेन और ऑटो टेम्पो चलते आए हैं, तो आप वो दुनिया छोड़ के इस दुनिया में आ गई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा अचानक क्या हो गया आपके जहन में? आपका परिवार पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जानता हूँ, लेकिन अचानक क्या हुआ इसी 2020 में आप उतर गई? अचानक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत चीज़ें झेली हैं। जस्ट अब जब ये कहते हैं कि परिवार पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो ऐसे साउंड करता है जैसे कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि बाकी सारे कैंडिडेट से, वैसा नहीं है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से ही हूँ। MLC थे, विधान पार्षद थे, बहुत सारे लोग तो अब उनको मेरी वजह से भी जानते हैं, उनके नाम के फादर को जी और बेटी के नाम से बाप को जानते हैं अब, कुछ लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके नाम पे वोट मांगा या उनके नाम पे कुछ भी किया। बिहार इसलिए आने की जरूरत पड़ी क्योंकि बिहार आने की जरूरत है। हाँ। तो ये बताइए, सबसे अधिक, सबसे इतने सारे नेता हैं, तेजस्वी हैं, नीतीश कुमार हैं, आपको समस्या सबसे अधिक किससे है? एक तो प्रतिद्वंदी होता है। परेशानी मुझे सबसे ज्यादा नहीं, एक ही व्यक्ति ही है जिसके बारे में चर्चा करने की जरूरत। वो कौन है? नीतीश जी, नीतीश कुमार जी। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।